सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वावेतौ सुखमेधेते यद् भविष्यो विनश्यति, अर्थात विपत्ति आने पर उससे निपटने में समर्थ, ये दोनों सुख से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यद् भविष्य अर्थात जो भाग्य में है वैसा ही होगा, ऐसा सोचने वाले नष्ट हो जाते हैं। पंचतंत्र में सुनते हैं घमंडी मछली की कथा। किसी तालाब में तीन मछलियां रहती थी। उनके नाम थे अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद् भविष्य। एक दिन उस तालाब को देखकर मछुआरों ने कहा, अहो, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, हम कल यहां जरूर आएंगे। उनकी बातों को सुनकर अनागत विधाता ने सभी मछलियों को बुलाकर कहा, क्या आप लोगों ने मछुआरों की बात सुनी? हमें उनसे बचने के लिए आज रात में पास के तालाब चले जाना चाहिए। अनागत विधाता की बात सुनकर बाकी मछलियां बोली, हम अपना घर छोड़कर किसी नई जगह नहीं जा सकते। प्रत्युत्पन्नमति ने कहा, किसी नई जगह में नई कठिनाइयां हो सकती हैं। हमें यही रहकर मछुआरों से बचने का प्रयास करना चाहिए। यद् भविष्य बोली, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इस तरह कुछ भी प्रयास करना व्यर्थ है। अनागत विधाता अपने परिवार को लेकर रात में ही दूसरे तालाब चली गई। अगले दिन जब मछुआरों ने जाल बिछाया तो प्रत्युत्पन्नमति और यद् भविष्य के साथ अन्य मछलियां जाल में फंस गईं। प्रत्युत्पन्नमति ने जाल में फंस जाने पर मरने का नाटक किया। मछुआरों ने मरी हुई मछली देखी तो उसे फिर से पानी में फेंक दिया और यद् भविष्य और अन्य मछलियों को लेकर चले गए। इसीलिए कहते हैं कि विपत्ति के लिए पहले से तैयारी करने वाले और विपत्ति आने पर उससे बचने का प्रयास करने वाले सुरक्षित रहते हैं और भाग्य पर सब कुछ छोड़ देने वाले नष्ट हो जाते हैं।